राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सर का सादर अभिनंदन आभार व्यक्त करती हूँ और मंचा से इन सभी आदरणीयों का आभार व्यक्त करती हूँ और सम्मुख उपस्थित प्रेस मीडिया, इसके अलावा और भी बहुत जागरूक और बहुत ही जज्बे और जोश के साथ जो लोग सामने खड़े हैं, मैं सुन रही थी वो जोश जो था उसी जोश को हम भी एक ऐसी बात लेके आए हैं जो जिसमें आपके उस जोश की बहुत आवश्यकता है। मैं कवित्री ऋचा राय सैफई इटावा से, एक बच्चा मेरे साथ है, ये लड़का इटावा जनपद से है और इसने वो करने की ठानी जो अभी तक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, मैं एक सामाजिक मुद्दा ले आना चाहती हूँ आपके समक्ष। भारतवर्ष में तमाम ऑक्यूपेशंस, तमाम जॉब्स हैं, तमाम लोग, यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि हाँ भाई बेटा तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलेगा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये भी कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। और बड़ी विडंबना की स्थिति तब आती है कि जब हमारा भारतवर्ष एक कृषक प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। तो ये दोनों, ये जो विडंबना है, इस विडंबना के विषय में इस बच्चे ने बहुत मंथन किया और इसने सोचा कि कुछ एक ऐसी चीज़ ले आए, इस प्रकार से कुछ हम मदद उनके कृषकों के पास लेकर जाएं और उन किसानों को हम आगे बढ़ाएं कि कल को हमारे बच्चे ये भी कहने में कतई कतराएं नहीं कि हाँ मैं एक कृषक बनना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, हमारा जो देश है, हमारे देश की जो मिट्टी है, वास्तव में उसमें जो सोना है वो कृषक ही निकाल के ले आ पाते हैं। उस अन्नदाता का, उस उन कृषकों का जो भला है वो किस प्रकार से हो, वो इसकी विचारधारा इसने सोचा। चूंकि ये टेक्निकल स्टूडेंट है, BCA MCA किया हुआ है, तो इसने एक ऐप के माध्यम से उन कृषकों को पुनः उत्थान कि वो आत्महत्या जैसे और इस तरह की चीज़ों में ना जाकर एक पुनः जागरूक होकर इस ऐप के माध्यम से एक अपना नया मार्केट बनाए। क्योंकि देखिए, हर जगह डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, हर जगह मोबाइल ऐप्स के यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमारा किसान आज भी वंचित है। तो इसने एक छोटा सा मार्केट क्रिएट किया है, उस छोटा सा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये शुरुआत है आज के दिन इसका, और इसकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से वो ऐप मार्केट में आए। चूँकि सैफई का ही है और बड़े इसके स्वप्न थे, और माननीय अध्यक्ष जी जो हैं वो हमारे सैफई इटावा के युवाओं में उनके लिए बहुत प्रेम है, उनके लिए बहुत सम्मान है, और इसलिए इसकी आज ये दो इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार तालियों के साथ इस बच्चे का सम्मान करें जिसने देश के उस वर्ग के विषय में सोचा जिसके विषय में सोचते सोचते व्यक्ति शिथिल हो जाता है और कतई अच्छे निर्णय नहीं प्राप्त कर पाता, अंततः उसको लाभ नहीं होता। मैं किसी राजनीतिक व्यू से नहीं ये बातें कह रही हूँ, मैं एक सामाजिक व्यू से, चूंकि समाज सेविका भी हूँ, एक सामाजिक व्यू से एक बात कह रही हूँ कि वास्तव में उस कृषक को लाभ नहीं हो पाता। इस ऐप के माध्यम से एक मोबाइल में ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, इसने इसकी भी तैयारियां कर ली हैं कि कृषकों के मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल करें और उसमें कृषक आ जाएं, जो उपभोक्ता है और जो उत्पादक है, उन दोनों को एक पटल मिले, उस पटल पर वो दोनों आपस में वार्ता करें, जिसको जो चीज़ संतरे खरीदनी है, मौसमी खरीद, उसमें तमाम ऐसे डेटा हो जाएंगे और उस प्लेटफॉर्म पे किसान अपना व्यवसाय शुरू करे, वो वहाँ कोई मीडिएटर ना हो, कोई मध्य में ना हो, तो किसान को शायद इसकी ये अपेक्षा है और इसका ये कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि शायद नहीं, पूर्ण रूप से उस कृषक को निश्चित रूप से लाभ होगा जो इस ऐप के थ्रू मार्केटिंग में आएगा। और मोबाइल फ़ोन चलाना बहुत आसान हो गया आजकल, तो फेसबुक और व्हाट्सएप से सभी तमाम गांवों में भी बच्चे मोबाइल चला, भले वो पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देते हैं लेकिन मोबाइल सबके पास है। तो इस माध्यम से इसने कृषकों को वो मदद पहुँचाने का प्रयास किया है, जो कि आज सर ने समय दिया, इसको भी समय दिया, मुझे भी समय दिया कि मैं आपके सम्मुख इस बात को रख सकूं। और मेरा निवेदन है कि आप उस ऐप के विषय में देखें, ये पीछे इसमें चलेगा वीडियो, ये वीडियो देखें और इस ऐप को समझें, और आप तो समझे ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। देखिए, मैं भी एक कृषक फैमिली से हूँ और मुझे अभी सुनने में आया कि बलिया जनपद से भी यहाँ कई लोग आए हुए हैं, और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं रहती तो सैफई में हूँ लेकिन मेरा भी गृह जनपद बलिया है, और मैं बलिया से आए हुए सभी का सम्मान करती हूँ पुनः एक बार, इसलिए थोड़ा सा उत्साहित हो गई। और ये बात चूँकि व्यक्तिगत थी तब भी कर डाली, क्योंकि जब आदमी दूर रहता है और अपने घर का कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, महसूस अच्छा होता है। ऐप को देख लें, आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, और कोई भी कृषक है जिसका मार्केट में जिसको नुकसान हो रहा है, या बीच वाले उसके बिचौलिए जो हैं उसके प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे, या उसका अच्छा प्रोडक्ट है वो सही दाम नहीं पा पा रहा है, तो इस ऐप के माध्यम से वो अपने लिए कस्टमर खोज लेगा, और कस्टमर खोज के वो जी
अच्छा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए जब रुचि आती है तभी कोई कुछ कहता है। आपने रुचि ली है, बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से रुचि ये सभी को होनी चाहिए। अंततः हम सब कृषक ही हैं। आप अपना इतिहास ढूंढिए, किसानी के अलावा कोई कुछ नहीं है। सब किसानी, कोई किसी के पास खेती है तो खेत है तो वो किसानी करता है, और किसी कोई कृषक मजदूर है। लेकिन अंततः हम सब खेतिहर ही हैं, किसानी की है हमने। लेकिन आज के ज़माने में हम उससे भाग रहे हैं, और यही दिक्कत है, जो हमारा उत्थान नहीं हो पा रहा है। दिक्कत यही है कि जो हमारे संसाधन है वो कृषक के हैं, लेकिन हम बनना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ। दिक्कत ये हो जाती है कि हमारी विचारधारा कुछ और है। बहुत 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 धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इस ऐप को जरूर फोन में इंस्टॉल करेंगे और आगे भी इसको बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोमेंटो सर, आप डबल फोर डबल फोर डबल नाइन जीरो टू ट्रिपल फोर ईद के सामने जंक्शन है, देखिए जंक्शन है।